ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। जिस तरीके से लगातार राष्ट्रवादी में प्रवेश होते जा रहे हैं, आज किस प्रकार से प्रवेश था, किन पार्टियों से जो है प्रवेश किया गया राष्ट्रवादी पार्टी? देखिए, आज शिवसेना के श्री सुनील पिंपले जी ने अपने सहयोगियों के साथ पवार साहब की विचारधारा से सहमति जताते हुए और हमारी जो पिछले 10 महीने की कार्यशैली है उसको देखते हुए अपने 24 साल के शिवसेना के सफ़र को अलविदा कहते हुए आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया है। सबसे पहले तो हम अपने पक्ष में सुनील जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य और सुनहरे भविष्य की तह दिल से कामना करते हैं और आशा करते हैं कि जैसे 10 महीने से हमारी कार्यशैली से वो प्रभावित होके उन्होंने अपना इतना लंबा सफर शिवसेना में छोड़ने के बाद हमारे पक्ष में प्रवेश किया है, उसी कार्यशैली को आगे बढ़ाते हुए वो हमारे कंधे से कंधा मिला के जनहित और लोकहित का कार्य करते रहेंगे। मैडम, उनको क्या जवाबदारी दी है आपके पास? उनको महासचिव का पद दिया गया। किस प्रकार से आज प्रवेश रहा जानना चाहेंगे और साथ ही पत्रकार परिषद के दौरान आपने कहा कि राष्ट्रवादी ने जो है काफ़ी कार्य किए हैं, लेकिन उल्लासनगर महानगर पालिका में सत्ता जो है जुड़ी हुई है महानगर पालिका में शिवसेना के साथ, तो ये स्टेटमेंट किस तरीके से रहा और क्या कार्य प्रणाली रहेगी प्रवेश के बाद? आप देखेंगे तो पूरे महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े लीडर जैसे हमारे शरद पवार साहब, माननीय अजीत दादा पवार साहब, एन पाटिल साहब, राजेश टोपे जी, देशमुख जी, अनिल देशमुख जी, उज्ज्वल साहब, इन सब लोगों ने जो ग्राउंड लेवल पे काम किया और ऐसी कोई महाराष्ट्र की जगह नहीं थी कि उन्होंने छोड़ी हो इस लॉकडाउन पीरियड में, जबकि दूसरे पार्टी के पदाधिकारी बाहर ही नहीं निकले और राष्ट्रवादी पार्टी के बड़े से लेके छोटे कार्यकर्ता तक ग्राउंड लेवल पे लोगों के जो भी प्रॉब्लम थे उन कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उनको न्याय दिया। तो वो जो काम आज राष्ट्रवादी पार्टी पूरे महाराष्ट्र में किया है उनको देखते हुए आप देखेंगे तो पूरे महाराष्ट्र में ये लहर चल पड़ी है कि अदर पार्टी के लोग या जिन लोगों ने छोड़ी हुई पार्टी है अपनी राष्ट्रवादी वो वापस आ रहे हैं। आप किधर न किधर कोई ना कोई वोट दे भी आ रही है कि आज ये प्रवेश कर रहा है। उसी प्रकार को देखते हुए सुनील पिंपले जी ने आज अपने सपोर्टरों के साथ उल्लासनगर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया और उनको महासचिव पद से कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। सर, इतने लंबे समय से शिवसेना के साथ जुड़े हुए थे, काफ़ी कार्य किए और अचानक से आज राष्ट्रवादी में प्रवेश करने का कारण क्या रहा? कारण ऐसा है कि अभी तक जो मैं काम कर रहा था वो एक तालाब में काम कर रहा था और जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष जो है वो एक समंदर है, तो कोई भी चाहता होगा कि छोटे में से आदमी बड़ा होता है, तो उसके लिए मैं छोटे में से बड़े हो रहा हूँ ना, और क्या, और उसमें कुछ बाकी कुछ नहीं है। और सबसे ज़्यादा विश्वास मुझे धामी मैडम और भरत भाई के ऊपर है कि जो मुझे लास्ट तक साथ देंगे। किसी ना किसी तरीके की कोई तो भी वजह होगी क्योंकि लंबे समय से जुड़े रहे हैं और काफ़ी जो है कार्य भी आपके रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ मतभेद वगैरह कुछ नहीं है, कुटुंब का मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है और कोई कुछ नहीं है। मैं मेरे मन से राष्ट्रवादी कांग्रेस में आ रहा हूँ। मुझे, मैंने आपको बताया अभी एक मैंने बात बताया कि तालाब में काम करना मुझे अभी पसंद नहीं है, हर आदमी बढ़ने की कोशिश करता है, तो उसके लिए मैं अभी समंदर में आया हूँ। जिस तरीके से आज प्रवेश किया आपने शिवसेना से आप जुड़े रहे राष्ट्रवादी में, क्या कारण रहे, किस तरीके के सोचे? सर, मैं शिवसेना में भी था तभी मेरा एक ही सिद्धांत था समाज सेवा, और मैं आज अभी भी राष्ट्रवादी में जो आया हूँ वो सिर्फ समाज सेवा के लिए आया हूँ। तो आपको जो जवाबदारी दी है उसको किस तरह से निभाओगे? जैसे मैं शिवसेना में था इस तरह से निभा रहा था, बस उसी तरह से मैं भी निभाऊंगा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।